माइनक्राफ्ट बट पिगलिन ट्रेड्स ओपी आइटम्स। तो भाई यार कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ फिर से एंडर ड्रैगन की पुंगी बजाने। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। सबसे पहले मैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने लिए कुछ बेसिक टूल्स बना लेता हूँ। तो मैंने स्टिक बनाया, प्लैंक्स एंड एक वुडन एक्स एंड एक वुडन पिकैक्स, और मैंने थोड़ी सी और वुड माइन की एंड मैंने थोड़ा स्टोन माइन किया, और मैंने एक स्टोन पिकैक्स बनाया, और यहाँ पे कोल था तो वो भी माइन कर लिया। और कोल मिलते ही मैंने टॉर्च बनाया, और मैंने क्राफ्टिंग टेबल ले लिया, और सामने थी काऊ। तो ये तो बचने वाली नहीं है, बिकॉज मेरे को भूख लग सकती है कभी भी। तो सॉरी काऊ। और सामने एक पिग का बच्चा है, तो इसको छोड़ देता हूँ भाई। ये तो मारने से पहले ही रोने लगा भाई। वो गाइस यहाँ पे फ्रॉग है, ले खा ले, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा यार। तो यार मैंने बहुत सारा पेड़ काट के बनाया एक नाव, सारा पेड़ और काट दिया मैंने, इधर का इधर कुछ भी नहीं बचा है। तो इधर से मैं निकल लेता हूँ किसी की तलाश में। क्या वो शिपरेक है? तो गाइस ये सच्ची में शिपरेक है यार। चलो इसके अंदर चल के देखता हूँ, काश डायमंड वगैरह कुछ मिल जाए, अच्छी चीज़ें तो बहुत भला हो जाएगा इस नाव का। वैसे नाव का क्या ही भला होगा। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ डोर है, इसी के अंदर होता है चेस्ट, और यहाँ पे डायमंड नहीं है। तो गाइस यार मुझे इस चेस्ट में मिला ट्रेजर मैप, तो मैं चेस्ट खोजने चलता हूँ जल्दी से, और यहाँ पे बोट वोट सब निकाल देता हूँ। ट्रेजर मैप देखते हैं कितना दूर है, वैसे निशान तो काफ़ी पास में है। तो चलो गाइस चलते हैं जल्दी से। तो गाइस यार देख सकते हो यहाँ पे सूरज ढलने वाला है, तो मैं बोट ले लेता हूँ एंड अपने लिए एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ स्टोन की, और एक स्टोन एक्स जो कि वुड तोड़ने में काम आएगी मेरे। सामने तीन शीप हैं जो जिंदा नहीं बचने वाली। तो गाइस यार मैंने इन तीनों भेड़ों को स्वर्ग लोग पहुंचा दिया, और इन लोग के वूल से मैं बनाने वाला हूं एक बेड, और बेड रेडी है, और मैं सो जाता हूं आराम से। एंड सुबह हो चुकी है, तो बेड ले लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल भी ले लेते हैं, और चलते हैं बाइक खोजने जल्दी जल्दी। वैसे इधर ही होना चाहिए यार। ओके इस साइड कम हो रहा है, मतलब क्रॉस के पास ज़्यादा पहुँच रहा हूँ मैं, तो इसी साइड चलते हैं। तो गाइस यार लोकेशन पर पहुँच चुका हूँ फाइनली, एंड मेरे को ये पहली बार ट्रेजर मैप मिला है ज़िंदगी में जब से मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मैं सच्ची बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शॉवल बना लिया माइनिंग करने के लिए फटाफट से, तो यहाँ पहले माइन कर लेता हूँ। ये माइनक्राफ्ट वाले चेस्ट पता नहीं कौन सी दुनिया में डाल देते हैं यार। चलो दूसरी जगह माइन कर लेता हूँ, शायद यहाँ पे मिल जाए मेरे को चेस्ट, लेट्स सी। ओके माइन करता हूँ, और इतने में तो मिल जाना चाहिए। ओके चेस्ट मिल चुका है, और इसमें क्या है देखते हैं भाई। डायमंड, ओ भाई साहब क्या लक है भाई साहब, चेस्ट में दो डायमंड मिल चुका है मेरे को। एंड मैं चेन आर्मर पहन लेता हूँ, मेरे को हेलमेट लेगिंग्स बूट्स मिले थे, एंड मैं एक अपने लिए शील्ड बना लेता हूँ जो कि मेरे को प्रोटेक्ट करेगी, और ये शील्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शील्ड बना लिया मैंने, और यहाँ पे रख लेते हैं। और ये मैप काम का है कि नहीं आई डोंट नो, तो मैप लिए रहता हूँ थोड़ा सा, मतलब मैप में दिखेगा माइनक्राफ्ट का पूरा वर्ल्ड। तो मेरे को जल्दी से नेदर में जाना है, तो मैं थोड़ा सा और पाप कर लेता हूँ, मतलब इन लोग को टपका देता हूँ। भाई ये शिप की दोस्त ने धक्का दे दिया उसको पानी में, मेरे को क्या, मैं चलता हूँ इधर से। वैसे मेरे को क्यों लग रहा है कि मैं घूम फिर के उसी जगह पे आ गया हूँ, तो चलते हैं वही जगह यार, उसी जगह पे मैं आ गया वापस। ऐसा किसी के साथ होता है, सच सच बताना गाइस कमेंट में। एंड यहाँ पे पम्पकिंस है, मतलब विलेज हो सकती है आसपास। तो गाइस यार विलेज खोजते खोजते मैं आ चुका हूँ थोड़ा दूर, और विलेज तो मिली नहीं, बट रात होने वाली है, और रात को ज़ॉम्बी लोग स्पॉन होके मेरे को टपका डालेंगे। तो उससे पहले मेरे को विलेज ढूंढना है, और विलेज में ही आज मैं रहने वाला हूँ। तो विलेज मिल चुका है मेरे को भाई, सामने देख सकते हो, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा है। और गाइस रात भी होने वाली है, और बाराती स्पॉन हो जाएंगे, उससे पहले मैं इस विलेजर के घर में आ चुका हूँ। और भाई उठ जा मेरे को सोने दे, बट ये मेरे को सोने नहीं देगा भाई, खुद ही सो रहा है। और इस गरीब विलेजर ने एक चेस्ट भी रखा है, तो इसमें एप्पल और ब्रेड था जो कि मैंने ले लिया। एंड थोड़ा बेड लगा के मैं सो जाता हूँ, रात हो चुकी है वरना मॉब्स स्पॉन होने लगेंगे। एंड दिन हो चुका है गाइस, और भाई गलती से लग गया विलेजर, सॉरी भाग यहाँ से, और यहाँ से हेबल ले लेता हूँ।
हेबेल तो ले लिया गाइस मैंने, और कुछ विलेजरों के चेस्ट भी लूटे मैंने जिसमें मेरे को कुछ खास लूट तो मिली नहीं। और ये विलेजर देखो भाई अल्लाह है नंबर का, अच्छा हुआ मेरे पास टीएनटी नहीं था वरना अभी इसको उड़ा रहता। और गाइस ऊपर में भी विलेजर्स के एक आग दो घर हैं और मैं ब्रेड खा लेता हूँ, मेरा हंगर बार कम हो रहा है। और वो देखो भाई सामने से एक और नल्ला विलेजर आ रहा है, और यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस था किसी का, मैंने चुरा लिया, यहाँ से भाग लेता हूँ चुपचाप। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो दो लामा मेरे पीछे लगे हैं पता नहीं क्यों। वो अब मेरे को समझ आया, हेबेल मेरे हाथ में थी इसीलिए इन लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे थे, बट अब नहीं आए। और ये रहा आयरन गोलम, भाग यहाँ से निकल, इसको तो मारना ही पड़ेगा, ये हम लोग का पक्का दुश्मन है, हर वीडियो में ही मारना पड़ता है आयरन के लिए। आप पकड़ ले, दम है पकड़ ले यार। ओके मैं चढ़ जाता हूँ वरना नौटंकी नहीं इससे उड़ा देगा मेरे को, इसको मैंने उड़ा दिया वैसे। और ये विलेजर बोल रहा था मैंने आयरन गोलम को मारते हुए तुम्हें देख लिया था, मैं बता दूंगा गाँव वालों को, इसलिए मैंने ढकेल दिया इसको नीचे, तो ये शांत है अभी। और मैं भी आ चुका हूँ नीचे। तो गाइस यार मेरे को और हेबेल मिली थी तो मैंने ब्रेड बना लिया और एक वाटर बकेट एंड क्राफ्टिंग टेबल लेके चल पड़ा केव की तलाश में, कोई अच्छी सी केव मिल जाए बड़ी सी। तो यहाँ पे एक केव मिल चुकी है जो कि गहरी तो दिख रही है, अंदर जाके देखते हैं क्या है इसके अंदर। तो भाई काफी अंधेरा है, यहाँ पे टॉर्चेस भी कम है मेरे पास, 5 ही टॉर्चेस हैं और टॉर्चेस बनानी पड़ेंगी, बट अभी चलाते हैं इतने में। और मेरे को आयरन मिल चुका है तो मैंने आयरन माइन किया, आयरन बहुत सारा माइन करने के बाद मिलता हूँ आप लोग से मैं। भाई यार कब से मेरे को परेशान कर रहा माइनिंग करने में लप्पू सा स्केलेटन, भाग इधर से निकल हट भाई यार, नीचे गिर गया इसकी वजह से, मैं अभी मरते मरते बचा, एक हार्ट बचा है बस। भाई यार जल्दी से अपने आप को कवर कर लेता हूँ वरना मॉब्स आके मेरे को टपका डालेंगे। और हंगर बार फुल करता हूँ, एचपी फुल हो जल्दी से, और ब्रेड खा लेते हैं फटाक से गाइस। और वहाँ पे देखो भाई स्केलेटन वहीं से मार रहा था, एक एरो लगा तो मैं गया। वो भाई डायमंड है यहाँ पे गाइस, यार क्या लक है, स्केलेटन की वजह से डायमंड मिल गया मेरे को। तो अभी तो फुल हो जाने दो हार्ट, फिर बाहर निकल के माइन करूंगा डायमंड, एंड भाई स्केलेटन दिख जाए एक बार उसको धन्यवाद बोलना है मेरे को। और भी डायमंड है गाइस वहाँ पे देख रहे हो। तो पहले मैं आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ, यहाँ पे मेरे को ब्लास्ट फर्नेस मिला था विलेज से, उसी को मैं यूज कर लेता हूँ, उसमें आयरन डालता हूँ। और कोल मेरे पास था ही 2 तो मैंने डाल दिया, और 10 आयरन था, स्मेल्ट होने देते हैं। और स्केलेटन अभी मार रहा है, स्मेल्ट हो चुका है आयरन, तो मैं एक आयरन की पिकैक्स बना लेता हूँ जल्दी से, आयरन पिकैक्स डन। और मैंने माइन कर लिया डायमंड, यहाँ पे ये एक ही डायमंड था मैंने ले लिया, एंड मैंने एक डायमंड पिकैक्स बनाई एंड एक चेस्ट प्लेट आयरन से, और चेस्ट प्लेट को मैंने पहन लिया। यहाँ जोम्बी था, मैंने जोम्बी को मारा, और नीचे वाले डायमंड को जो नीचे था यहाँ पे मिला था उसको मैंने माइन कर लिया। यहाँ पे ये देख सकते हो एक डायमंड था और जोम्बी मारा मैंने, और यहाँ स्पाइडर थी उसको भी मैंने मारा, एंड अब क्या करूँ और नीचे चलता हूँ। गाइस टॉर्च एक ही है मेरे पास, तो एक ही टॉर्च यूज करना पड़ेगा, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार, नीचे शायद लावा है पता नहीं क्या है, वैसे थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है इसकी वजह से। ओ भाई माइन शाफ्ट मिल चुकी है मेरे को, अब तो बल्ले बल्ले हो जाएगा, बस मेरे को गोल्ड खोजना है और एंड में जाना है, सॉरी नेदर में जाना है। तो गाइस चलो मैं गोल्ड खोज लेता हूँ जल्दी जल्दी, एक ही टॉर्च है। ओ भाई डायमंड मिल गया, एक और डायमंड, भाई साहब यकीन नहीं हो रहा इतना जल्दी जल्दी डायमंड मिल रहा है मेरे को। तो ये माइन कर लिया मैंने, एंड यहाँ से चलता हूँ। ओके यहाँ स्पाइडर, भाई साहब स्पाइडर कहाँ से आ गई छोटी वाली, ये बहुत गंदा डैमेज देते हैं भाई, इन लोग पॉइजन लगा देते हैं, हाफ हार्ट बचता है, ये बहुत बुरा लगता है मेरे को इन लोग के स्पाइडर से। तो मैंने थोड़ा वुड माइन किया टॉर्च बनाने के लिए, और यहाँ पे फर्नेस बना लेता हूँ सबसे पहले, क्राफ्टिंग टेबल निकाल लेते हैं और एक फर्नेस बना लेता हूँ। मेरे पास लॉग पड़ा हुआ है तो उतना कोल चारकोल बन जाएगा, तो उतने में भी टॉर्चेस बन जाएंगे काफी सारी, चारकोल पूरा बन चुका है। एंड ज़ॉम्बी भाग यहाँ से, भाई कैरेट देके गया एक कोई नहीं। और मैं टॉर्चेस बनाता हूँ, टॉर्चेस बनाना भूल गया क्या, ओके बना लिया मैंने टॉर्चेस, और टॉर्चेस बना के चलता हूँ इधर एक्सप्लोर करने, लेट्स सी क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है इधर, इधर से तो मैं आया था, इधर क्या करूँगा जाके, इस साइड से तो आया था मैं, तो इसके अपोजिट साइड चलता हूँ इस साइड। और यहाँ पे लावा, भाई डायमंड, 4 डायमंड मिल गया और मेरे को, चलो अच्छी बात है, मेरा आर्मर जल्दी बनने वाला है डायमंड का। तो मैंने एक डायमंड स्वॉर्ड बना लिया मॉब्स को मारने के लिए, बार बार आते रहता है मेरे से भिड़ने के लिए उन लोग। तो गाइस बहुत देर बाद एक माइन कार्ट विद चेस्ट मिला, लूट तो इसमें अच्छी थी और गोल्ड भी मेरे को मिलने लगा धीरे धीरे, तो मैं गोल्ड माइन करके मिलता हूँ ढेर सारा। तो इधर गाइस मेरे को लावा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ मैं नीचे चलता हूँ और ऑब्जिडियन बना लेता हूँ लावा को, एंड फिर ऑब्जिडियन माइन करके पोर्टल बनाया जाएगा ऊपर निकल के। तो यहाँ पहले वाटर डाल देता हूँ और ऑब्जिडियन माइन करने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोग से। तो गाइस मैंने 16 ऑब्जिडियन माइन कर लिया, अब ग्रेवल माइन कर लेता हूँ, उसमें से फ्लिंट मिल जाए मेरे को तो मेरा काम हो जाएगा। और फ्लिंट स्टील बन चुका है मेरा, फ्लिंट मिल गया था मेरे को तो मैंने बना लिया, एंड अब यहाँ से चलता हूँ मैं ऊपर। अभी गाइस केव से बाहर नहीं निकलूंगा, मतलब अभी माइन शाफ्ट में ही मेरे को कुछ थोड़ा बहुत और खोजना है। वो यहाँ पे मेरे से गोल्ड छूट गया था एक, तो मैं ये गोल्ड माइन कर लेता हूँ। लैपिस लजूली कौन ही लेगा पीछे था, तो मैंने छोड़ दिया लैपिस लजूली। और यहाँ पे लावा है थोड़ा सा और,
और डायमंड भाई, और डायमंड मिल गया, चलो ले लिया मैंने। एंड ये लावा है, जब मैं पिछली बार आया था तो ये सब मेरे को दिखा ही नहीं क्योंकि मैं इधर आया ही नहीं था, बट कोई नहीं, इधर आ चुका हूँ मैं, तो ये डायमंड तो नहीं बचने वाला। ये डायमंड भी मैंने माइन कर लिया और अपने लिए एक बनाया बूट्स और लेगिंग्स, और मेरा आधार आर्मर तो लगभग कंप्लीट है। चेस्ट प्लेट के लिए और थोड़ा सा डायमंड चाहिए, तो और थोड़ा डायमंड ढूंढना पड़ेगा मेरे को। एंड मैंने क्राफ्टिंग टेबल ले लिया और यहाँ, एंड बहुत भटकते भटकते मेरे को एक और केव मिली बहुत नीचे, और भाई सामने डायमंड है, और डायमंड मिल गया, मतलब मेरा आर्मर के लिए डायमंड कंप्लीट हो चुका है पूरा, बस चेस्ट प्लेट बनाना था, तो वो भी बन जाएगा, तो मैंने वो भी बना लिया। और यहाँ से बाहर निकल लेता हूँ मैं, और ये फेंको भाई, ये काम का नहीं है, और मैं निकल लेता हूँ बाहर। सो गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर, तो अब मैं पोर्टल बनाने के बाद मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस यार नेदर पोर्टल तो रेडी है, और मैंने जो गोल्ड माइन किया था मैं उसको स्मेल्ट कर लेता हूँ, और एक हेलमेट बना लूंगा गोल्ड का, ताकि मेरे को कोई पिगलिन मारे ना या कोई भी ना मारे नेदर का प्राणी। और मैं थोड़ा सा और गुड्स ले लेता हूँ, मेरे को जरूरत ना पड़े। तो गोल्ड हो चुका है स्मेल्ट, एंड मैं एक हेलमेट बना चुका हूँ और क्राफ्टिंग टेबल लेता हूँ और चलता हूँ नेदर में फटाक से। बस मैं यही मनाऊंगा कि मैं पिगलिंस के पास स्पॉन हूँ, लेट्स सी क्या होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ गाइस नेदर में, और यहाँ पे स्पॉन तो ठीक ठाक मिला है, रेड वाली बायो में क्यों स्पॉन करते हैं, तो यहाँ पे गोल्ड नगेट है, तो मैंने सारा गोल्ड नगेट माइन कर लिया है। एंड इधर से चलता हूँ थोड़ा आगे, शायद पिगलिंस मिल जाए मेरे को, बट कोई नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे मैं गोल्ड बना लेता हूँ नगेट से। तो मैंने गोल्ड बना लिया है और क्राफ्टिंग टेबल लेता हूँ, और भाई मैग्मा क्यों पाते ही दिमाग खराब करने लगते हैं इन लोग के बच्चे तो, और भाई जिसको भी मरना है जल्दी जल्दी आओ सब। तो मैग्मा क्यूब का तो मैंने क्यूब बना दिया, और फाइनली मेरे को पिगलिंस मिल चुके हैं, जो कि मैं भीख दे दिया है मैंने उन लोग को, और वो सब देख रहे हैं गोल्ड असली है या फिर नकली। भाई असली है यार, दे दो जल्दी जल्दी सामान दे दो सब लोग, पूरा असली है। ओके देखते हैं लोग क्या क्या दे रहे हैं। ओके भाई एप्पल मिला है, गोल्डन एप्पल एंड बहुत सारी चीज़ें इन लोग ने दे दी है। नेदरराइट रवल दे रहे हैं इन लोग, टोटम ऑफ अंडा मिला है। तो गाइस यार मेरे को 12 डायमंड ब्लॉक मिल चुके हैं, एंड यहाँ पे नेदरराइट एक्स मिली है, और यहाँ पे एंडर पर्ल दिया है इन लोगों ने, तो एंडर पर्ल ले लेता हूँ। ओके गाइस तो इन लोगों ने ब्लेज रॉड भी दे दिया था, मेरा सारा काम हो चुका है स्ट्रांग होल्ड तक जाने का। तो पहले मैं चलता हूँ अपना पोर्टल खोज लेता हूँ। सारी मेरी कमाई का इन लोग पहने हैं हेलमेट, देख रहे हो नेदरराइट हेलमेट पहना है इन लोग, मतलब मेरे गोल्ड का। और इन लोगों ने 20 ऑब्सिडियन भी दिया है, तो मैं कुछ गोल्ड और बना लेता हूँ। मेरे पास नगेट्स पड़े हुए थे, 3 गोल्ड और फेंक देता हूँ भाई, लो भिखारी देख लो जल्दी जल्दी असली है कि नकली, और मेरे को और अच्छे अच्छे सामान दे दो। एमरल्ड ब्लॉक्स दिए हैं इन लोगों ने बच्चे तरीके। तो अब मैं पोर्टल खोज लेता हूँ अपना, और यहाँ पे भाई एक्सपी दिए, और यहाँ पे एरो फेंका हुआ है इन लोगों ने, तो मैंने एरो ले लिया। एंड मैं पहुंच चुका हूँ अपने पोर्टल पे, तो अब मैं चलता हूँ ओवरवर्ल्ड में, और जल्दी से स्ट्रॉन्ग होल्ड खोजता हूँ और एंडर ड्रैगन को खत्म किया जाए जल्दी से। तो ओवरवर्ल्ड में चलते हैं। सो गाइस मैं आ चुका हूँ ओवर वर्ल्ड में, और जल्दी से मैं एंडर ऑफ आई बना लेता हूँ। तो यहाँ पे 16 एंडर ऑफ आई मैंने बना लिया है, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग होल्ड खोजने के बाद मिलता हूँ आप लोग से। सो गाइस आप लोग कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो, मैं काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, और यहाँ पे थोड़ा वेट करके थोड़ा आई यूज़ करके देख रहा हूँ कि किधर होगा स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो थोड़ा और दूर है, तो चलते हैं थोड़ा और आगे दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरी आई मिल चुकी है एक और, एंड और देखते हैं कितना आगे है भाई। ओके यहीं पर है, तो यहीं मैं माइन कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस यार मैं आ चुका हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर, और जल्दी से मैं एंड पोर्टल खोज लेता हूँ, और एंड पोर्टल खोजने में ही झंझट होता है। यहाँ पे इन लोगों ने कितना सारा चेस्ट लगा रखा है यार, बट कोई नहीं मैं खोज लेता हूँ जल्दी से एंड पोर्टल। इधर है क्या भाई, इसी में मेरा दिमाग खराब होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे खोजते खोजते मैं थोड़ा दूर आ चुका हूँ, और इधर डोर ही डोर है भाई, दिमाग खराब हो जाता है डोर डोर देख के। इधर इन लोगों ने ऐसा बना रखा है कि पूरा एकदम दिमाग खींच जाता है किधर जाएँ किधर ना जाएँ। तो यहाँ पे नीचे चलता हूँ मैं, देखते हैं नीचे क्या है। और फाइनली मेरे को मिल चुका है एंड पोर्टल, और इसको जल्दी से मैं तोड़ देता हूँ और आई लगा लेता हूँ पूरा। एंड गाइस मैं आ चुका हूँ एंड में, और जल्दी से इसको तोड़ के निकलता हूँ बाहर, वाटर डाल के। यहाँ पे वाटर डाल दिया मैंने और बाहर आ चुका हूँ मैं, वाटर ले लेता हूँ। एंडर मैन आके मारने लगते हैं भाई, तो दिक्कत हो जाती है, वाटर रहता है तो सही रहता है। और देखो घुसते ही भाई एंडर मैन पंगा लेने लगे, तो सबसे पहले मैं वाटर डाल लेता हूँ और एप्पल खा लेता हूँ। भाई इन लोग देख रहे हो 4-5 आके मेरे को मार रहे हैं, तो यहाँ वाटर डाल दिया मैंने और इन लोग को जल्दी से निपटाता हूँ और एंड क्रिस्टल फोड़ने पे ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे पहला गया क्रिस्टल, और ये गया एंडरमैन, और ये गया गैस दूसरा एंड क्रिस्टल, और इसी के साथ ये गया तीसरा एंड क्रिस्टल। तो गैस मैंने सारे एंड क्रिस्टल फोड़ दिए। यहाँ बारी एंडर ड्रैगन की, और शार्पनेस 5 की मेरे पास एक्स है, तो उसे मारता हूँ, काफ़ी खतरनाक डैमेज हो रहा है भाई इससे। अब से मैं एंडर ड्रैगन को मारने के लिए एक्स ही यूज़ करूँगा भाई, देख रहे हो क्या खतरनाक शॉट से ही ज़्यादा खतरनाक डैमेज दे रही है एक्स।
तो ये मरने वाला है बस और ये खत्म। तो मेरा गोल तो कंप्लीट हो गया एंड आप लोग भी अपना गोल कंप्लीट करो प्लीज। इस वीडियो को लाइक कर देना और भाई आप लोग तो लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, प्लीज सपोर्ट करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलेंगे और भी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।